इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, आप अपने ट्रेन की टिकट को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, ताकि आप उसे बुक कर सकें और कंफर्म टिकट बुक कर सकें, जिससे कि टिकट पेंडिंग ना हो या वेटिंग में ना चला जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर से एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर में सर्च बार में यहाँ पर सर्च करना होगा IRCTC रेल कनेक्ट, इसको डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों। जैसे कि मेरा ये डाउनलोड कर लिया गया है, इसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको IRCTC में रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर लॉगिन में जाना होगा दोस्तों। लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पर रजिस्टर यूजर्स, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको IRCTC में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स फिलअप करना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी के बाद आपको यहाँ पर यूजर्स नेम क्रिएट करना होगा। यूजर्स नेम में आप अपने नेम का पहला अच्छा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पासवर्ड कर देना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अपना नाम यहाँ पर क्रिएट कर देना है। फिर नीचे आना है फ्रेंड्स। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन क्रिएट कर देना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट कर दिया। मैरिड स्टेटस में अनमैरिड कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट कर देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, वैलिडेटिंग डिटेल्स हो रहा है। इस प्रकार आपको IRCTC में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले IRCTC में रजिस्ट्रेशन की बहुत ही आवश्यकता हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रेसिडेंटल एड्रेस पे क्लिक करना होगा। स्ट्रीट, उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर आपको IRCTC में हो रहा है फ्रेंड्स, लिखा रहा है वेरीफाइंग डेट्स। आपको यहाँ पर क्लोज करना होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन IRCTC में हो चुका है। फिर इसको ओके कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, OTP वेरीफाई करने के बाद किसी भी प्रकार का पिन इंटर कर लेना है। फिर कंफर्म पिन इंटर करना है। जैसा कि मैं अपना यहाँ पर पिन इंटर कर दूँ, वहाँ पे सबमिट कर देना फ्रेंड्स। आपको ये पिन याद रखना है फ्रेंड्स। फिर आपको आ गया, ले चलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको आपका ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलना होगा आपको प्लान माय जर्नी, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कन्फर्मेशन आएंगे, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फ्रॉम आपको सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ से आपको टिकट की आवश्यकता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ दिल्ली। आपको कहाँ तक जाना है जो यहाँ पर टाइप कर देना है। मैंने टाइप कर दिया दिल्ली टू पटना। यहाँ पर आपको किस
डेट को टिकट चाहिए यहाँ पर क्लिक कर देना, जिसकी मैं 14 अक्टूबर को कर देता हूँ। ओके ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर सेल ट्रेन ओके करना। देखिए फ्रेंड्स आ गया कुछ ट्रेन्स यहाँ पर, मैं सपोज डेट इसे सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें देखिए दोस्तों आ गया सेकंड एसी थर्ड एसी, तो सेकंड एसी में क्लिक करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स आ गया, बिना हल्डे को आपको 1865 रुपये लगेंगे, यहाँ पर बुक करना होगा तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।